हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों, फिर से मैं आज आप सभी लोगों को एक आस्था के प्रतीक जो सबसे सुरबीर माने जाते हैं उनका दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कई साल पुराना आप लोग यहाँ पे वटवृक्ष देख रहे होंगे। काफी मजबूत ये वटवृक्ष है, काफी मोटा है और काफी प्राचीन है। मेरे ऊपर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्थान है भैंसासुर बाबा का। जी हाँ दोस्तों, इनको लोग भैंसासुर बाबा के नाम से जानते हैं। मैं आपको पूरा दिखा दूं तो देखिए, मेरे पीछे लिखा हुआ है जय बाबा भैंसासुर बाबा। ठीक है, इनके दर्शन के लिए काफी दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर भी जो लोग अपनी मन्नत को रखते हैं, मानते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो आइए आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। काफी मैं दूर पे आया हूँ और यह क्षेत्र आपको पड़ेगा गोला गोपालपुर के पास, कोहणी बुजुर्ग के कुछ दूरी पर ये एरिया है जहाँ पर भैंसासुर बाबा का स्थान है। चलिए अब इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। जब आप लोग उरुआ के तरफ से गोला के रोड पे जाओगे तब आपको बीच में एक ताल दिखेगा, वहां पर देख सकते हो, वो है कासो ताल। वो ताल काफी बड़ा है, वहां का पानी कभी सूखता नहीं है। और उसी के जस्ट बाजू में आपको दिखेगा भट्ठा जहां पर ईंट वगैरह पाथा जाता है। और इन्हीं के कुछ दूर पे आपको बारा नगर में मिल जाएगा माँ कालिका देवी का मंदिर। लेकिन अभी हम आ पहुंचे हैं भैंसासुर बाबा के स्थान पर। ये जो लोग आप लोग वटवृक्ष देख रहे हो, काफी भयावह वटवृक्ष है और काफी प्राचीन है, कई सौ साल पुराना ये वटवृक्ष है। और इसी वटवृक्ष पर भैंसासुर बाबा का स्थान है। भैंसासुर बाबा यहीं पर रहते हैं और सभी लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि भैंसासुर बाबा को क्या चढ़ाया जाता है। देखिए, भैंसासुर बाबा को लोग पॉलिथीन में भूसा चढ़ाते हैं, भूसा जो लोग मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पर भी कुछ चीजें चढ़ाई गई हैं और माचिस भी रखा गया है। अभी ये सीढ़ी बनाई गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर भैंसासुर बाबा को सुरती भी चढ़ाया गया है और सिंदूर भी चढ़ाया गया है। और यहाँ पर कुछ घंटियां बांधी गई हैं और यहाँ पर जो भैंस को या गाय को जो पगहा बांधा जाता है और जो घंटी उसके गले में लटकाई जाती है, छोटी बड़ी सभी चीज यहाँ पर बांधे गए हैं और निंगेउटा भी यहाँ पर बांधा गया है। तो आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे, भैंसासुर बाबा। ठीक है, आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, ये भैंसासुर बाबा है। आप लोग हर गांव में जाते होंगे तो वहां पे सौधीर बाबा, जोगाबीर बाबा, भैंसासुर बाबा सभी लोगों के गांव में ये देखने को मिलता होगा। लेकिन यह भैंसासुर बाबा अपने ग्रामवासियों की और जो लोग दूर दराज से आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। गाइज, मैं 100% कह रहा हूँ, ये रियल है, कभी भी इन सभी चीजों को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा। और देखिए, ये जो वटवृक्ष है कितना दूर तक फैला हुआ है, इसका जो ये डाल है देखिए किस तरह से नीचे लटकी हुई है इसकी शाखाएं। और देखिए, अभी ये जो वटवृक्ष है काफी पुराना लग भी रहा है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके नजदीक से दिखा दूं तो ये गांव से काफी दूर पर इनका स्थान बनाया गया है। दोस्तों, गांव में जो लोग भी पहले के होते थे वो क्या करते थे, रात में दूसरों के खेतों में चोरी करते थे। मतलब मटर उखाड़ लेते थे, चना उखाड़ लेते थे, दूसरों के खेतों में घास उखाड़ लेते थे, मतलब पूरा खेत ही साफ कर देते थे। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि भैंसासुर बाबा इन सब चीजों से रक्षा करते थे, मतलब रास्ते में ही लोगों को घेर लेते थे और उनको उसका दंड भी देते थे। और इनको लोग सुरती वगैरह सब कुछ चढ़ाते थे, जब भी लोग कुछ भी करने आते थे तो भैंसासुर बाबा का नाम जरूर लेते थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले के लोगों को यह काफी सबक सिखा चुके हैं, मतलब उनको उठा उठा के पटक देते थे और लोगों को चोरी डकैती करने से रोकते थे। जी हाँ गाइज, यहाँ के गांव वाले इनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और जब भी गांव में
कोई भी उत्सव होता है या लोग खेत की कटाई वगैरह करते हैं तब भैंसासुर बाबा के नाम पर वो लोग अक्सर यहाँ पे निंगोटा या जो भी यहाँ पर घंटी होती है या भूसा होता है उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पर टाइल्स भी लगा दिया गया है और चारों तरफ से दीवार से घेर दिया गया है और इनका स्थान अच्छे से बना दिया गया है। तो ये सब देखकर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हाँ सच में यहाँ के जो भैंसासुर बाबा हैं उनको लोग ज़्यादा मानते हैं। गाइज पहले की कहानियाँ बहुत हैं इनको लेकर, जब भी कोई भी चोर चोरी करने आता था गाँव में तो सबसे पहले भैंसासुर बाबा से ही उनका सामना होता था और भैंसासुर बाबा उसे वहीं पर रोक देते थे और सभी लोगों की रक्षा करते थे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए व्लॉग वीडियो में। धन्यवाद।